राधे राधे, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उस उम्र में सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया एक ऐसे बाल व्यास ने जिसे देखकर सारी दुनिया अचंभित रह गई, पंडित शशि शेखर जी महाराज। तो आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। पंडित शशि शेखर महाराज जी का जन्म 29 दिसंबर 2009 को जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शशिकांत दुबे तथा माताजी का नाम संगीता दुबे है। इनके पिताजी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तथा माताजी स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं और इनकी एक छोटी बहन है वैष्णवी। जब महाराज जी बहुत छोटे थे तब इन्हें धार्मिक चीज़ें सुनना देखना बहुत पसंद था। ये अपने माता पिता के साथ मंदिर जाया करते थे तथा धार्मिक चीज़ों में हिस्सा लिया करते थे। धीरे धीरे इनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी और कुछ समय के बाद 2018 में इन्होंने संत वेदांति महाराज से गुरु दीक्षा ली और उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगे और मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कथा कही। इनकी पहली कथा को सुनते ही लोग इनके भक्त हो गए और अब तक पंडित श्री शशि शेखर जी महाराज 150 से ज़्यादा कथा कह चुके हैं। इनकी एक गौशाला भी है जहाँ पर गायों की सेवा की जाती है। महाराज जी को गायों से बहुत लगाव है। आज महाराज जी एक प्रसिद्ध वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब महाराज जी कथा के साथ साथ अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं। अभी महाराज जी कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं तथा साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये थी महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सैनिक हैं वे, भक्ति वाले विज्ञान को तो कुछ समझते ही नहीं है, भक्ति वाले लोगों को भी कुछ नहीं समझते। अरे पागल है, कोई तो कहता है।